फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको शेयर करूंगा कैसे आप अपने मैक के ऑडियोसिटी से आप रिकॉर्ड कर पाओगे अपने मोनो माइक के थ्रू। ठीक है, बताऊंगा इसकी सेटिंग, मैं आपको शेयर करूंगा किस तरीके से आप इसकी सेटिंग आप कर पाओगे और अपने ऑडियोसिटी सॉफ्टवेयर से आप इसको रिकॉर्ड कर पाओगे। ठीक है, तो आपने करना क्या है यहाँ पे, सिंपली आपको करना क्या है, पहले मैं चेक कर लेता हूँ यहाँ पे ट्रैक में आकर के सिंपल। ऑलराइट, ट्रैक में आएंगे, ट्रैक में आने के बाद ऐड न्यू ट्रैक पर हम क्लिक करेंगे। अभी देखो मोनो ट्रैक लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि एक बारी मैं कनेक्ट कर चुका था। ऑलराइट, इसलिए यहाँ पे आ रहा है। फिलहाल मैं यहाँ पे आता हूँ। ऑलराइट, ऑडियो सेटअप आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे आप क्लिक करोगे ऑडियो सेटअप पे, तो आपको सबसे नीचे ऑडियो सेटिंग आ रही होगी, जस्ट आपको उस पर क्लिक करना है। ओके, जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे दो तीन ऑप्शन आपको दिखेंगे, पहला होस्ट MME, ऑलराइट, दूसरा जो है प्लेबैक दिखेगा, तीसरा है रिकॉर्डिंग दिखेगा। ओके, आप देख सकते हो। ऑलराइट, तो अभी मेरा जो है आप देख सकते हो प्लेबैक में हेडफोन आपका मेरा सिलेक्टेड है। अभी यहाँ पे मोनो यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। ओके, अभी मेरा हेडफोन सिलेक्टेड है। अब जैसे मैं इसको मोनो को प्लग करूँगा, अभी अनप्लग है, प्लग करूँगा यहाँ पे शो करने लगा। रिकॉर्डिंग में आप चेक कर लोगे तो यहाँ पे रियलटेक हाई डिफिनेशन दिखा रहा है। ठीक है, अभी ये सिलेक्टेड है क्योंकि मैंने मोनो अभी सिलेक्ट नहीं करा है। ऑलराइट, अभी मैं सिलेक्ट करके दोबारा से आपको मैं दिखाता हूँ। ठीक है, और करना क्या है आपको, जस्ट आपको प्लग करना है अपने लैपटॉप या पीसी में यूएसबी पोर्ट में। ठीक है, जैसे आप इसको प्लग करोगे आप अपने लैपटॉप या पीसी में, आप देख पाओगे। फिर से यहाँ पे आएंगे ट्रैक पे, सॉरी यहाँ पे फिर से आते हैं ऑडियो पे, ऑडियो सेटअप। ऑडियो सेटअप पे आने के बाद री स्कैन ऑडियो डिवाइसेज, जस्ट आपको इस पर क्लिक करना है। आप देख सकते हो री स्कैन ऑडियो डिवाइस है, जस्ट आपको इस पर क्लिक करना है, एक सिंगल क्लिक। ओके, फिर से ये सॉफ्टवेयर जो है स्कैन करेगा जो भी हमारे लैपटॉप या पीसी में लगा होगा माइक, उसको स्कैन करेगा। स्कैन करने के बाद फिर दोबारा से मैं इस पर आता हूँ ऑडियो सेटअप पे, फिर से ऑडियो सेटिंग पे आता हूँ। सेटिंग पे आने के बाद आप फिर से देखोगे यहाँ पे प्लेबैक डिवाइस, यहाँ से आप देखोगे प्लेबैक डिवाइस में, तो यहाँ पे अभी हेडफोन ही दिखा रहा है। ठीक है, रिकॉर्डिंग्स पे आएंगे, रिकॉर्डिंग्स पे जब आएंगे तो आप देखोगे यहाँ पे माइक्रोफोन यूएसबी कंडेंसर माइक्रो, आप देख पा रहे होगे रियलटेक के ऊपर जस्ट बीच में आपको दिखा रहा होगा यूएसबी कंडेंसर माइक्रो। ठीक है, इसको सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद रिकॉर्डिंग डिवाइस है, यस ऑलराइट, यहाँ पे ओके कर देंगे। ठीक है, ओके कर दिया हमने। ओके करने के बाद यहाँ पे आओगे प्लेबैक डिवाइस, ऑलराइट, प्लेबैक डिवाइस पे आओगे। अभी आप देख पा रहे होगे प्लेबैक जो होगा हमारा जो ब्लूटूथ से कनेक्टेड है। ठीक है, BT-V09M वो कनेक्टेड है अभी। ऑलराइट, रिकॉर्डिंग डिवाइस में आओगे तो आपको दिखेगा माइक्रोफोन। रिकॉर्डिंग डिवाइस में फिर से आओगे तो आपको दिखेगा माइक्रोफोन यूएसबी कंडेंसर माइक्रो। ओके, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। रिकॉर्डिंग चैनल पे आओगे तो यहाँ पे आकर आपको वन पर सेलेक्ट करना है रिकॉर्डिंग चैनल मोनो, यहाँ पे लिखा होगा मोनो, आपको जस्ट इस पर सेलेक्ट करना है। ठीक है, फिर से आओगे यहाँ पे तो आप देखोगे सिलेक्टेड है। ऑलराइट, अब क्या करना है आपने, आपने करना क्या है, ट्रैक पे आना है। ट्रैक पे आने के बाद ऐड न्यू ट्रैक करना है और यहाँ पे मोनो ट्रैक सेलेक्ट कर लेना है। अभी आप देखोगे यहाँ पे मोनो ट्रैक दिख रहा होगा। ठीक है, अभी तक तो मैंने अपने मोबाइल से रिकॉर्ड किया है, अब जो रिकॉर्डिंग आप सुनोगे वो मेरे मोनो माइक से होगा। ओके, और ये ऑडियोसिटी सॉफ्टवेयर में मैं रिकॉर्ड करूँगा, तो थोड़ा सा आपको होल्ड करना है। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। ऑलराइट, यहाँ पे
हम क्या करते हैं, ये जो रेड का बटन होता है ना, ये रिकॉर्ड करने का बटन होता है। जस्ट मैं आपको इस पर क्लिक करके दिखाता हूँ। तो गाइज अभी जो रिकॉर्डिंग चल रही है, जो आप सुन पा रहे होगे, ये हमारे मोनो माइक की रिकॉर्डिंग है, ठीक है, और विदाउट एडिटिंग है, ठीक है। आपको मैं जस्ट इसमें शेयर कर रहा हूँ कि किस तरीके से हमारे मोनो माइक की जो वॉइस है आती है, और कितना इन्हेंसमेंट, कितना इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। पहले मैंने अपने सिंपल फ़ोन से रिकॉर्ड किया था, अब मैं अपने मोनो माइक से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वो भी ऑडियोसिटी सॉफ्टवेयर पे। आप देख पा रहे होगे, लाइव आपके सामने चल रहा होगा, तो आप डिफरेंस जो है इसका महसूस कर पा रहे होगे कि पहले जो रिकॉर्डिंग चल रही थी वो फ़ोन से रिकॉर्ड हो रहा था, उसका जो वॉइस क्वालिटी क्या था, और अब अपने माइक से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ मोनो से, इसकी वॉइस क्वालिटी क्या है, ठीक है। फ़िलहाल मैंने इसको 60% या 70% पे कर दिया गेन। अभी देखो मैं लो करता जा रहा हूँ, देख लो, अभी मैंने 40 या 50 कर दिया है, अभी काफ़ी लो वॉइस आ रही होगी, ठीक है। गेन भी है इसमें, आप देख पा रहे होगे, बिल्कुल स्लो हो गई होगी अभी वॉइस। तो मैं इसको क्या करता हूँ, थोड़ा सा मैं बढ़ा लेता हूँ, ठीक है, मैं कर देता हूँ इसको 70% के आसपास, ठीक है। मैंने अभी कर दिया 70 के आसपास, तो आप देख पा रहे होगे। ओके, मैं इसको फ़िलहाल एडिट करके भी आपको दिखाऊंगा, अगली जो वॉइस होगी वो एडिट के बाद होगी, तो मैं अभी रिकॉर्ड कर लेता हूँ, ठीक है। अभी जो वॉइस आ रही है वो एडिटिंग के बाद की आ रही है, ठीक है, आप देख पा रहे होगे, पहले विदाउट एडिट था, अब एडिट करने के बाद आ रहा है मोनो माइक की जो वॉइस है, ठीक है। तो आप महसूस कर पा रहे होगे क्या फ़र्क पड़ रहा है, कितना इन्हेंसमेंट, कितना वॉइस क्वालिटी में अंतर आ रहा है, ठीक है। तो मैं अभी इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। बाकी अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाना चैनल को भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।